अभी हम बीजेपी कार्यालय प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए कुछ तस्वीरें लगाई गई है, बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है 13 तारीख के। जिस तरह से शांतिपूर्ण बीजेपी की ओर से विधानसभा मार्च किया जा रहा था, उसके बाद बर्बरतापूर्ण जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा, यानी बिहार सरकार के पुलिसकर्मियों के द्वारा किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, जिसको लेकर के आज जो बिहार बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में हस्ताक्षर युवाओं की तरफ से हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आपको अंदर की तस्वीरें हम ले चलते हैं। देखिए वहाँ पे वार्ड बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी आएंगे। यहाँ पे देखिए बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता छाते युवा आम जनता से हो रहे दमन, लाठीचार्ज तथा 10 लाख सरकारी नौकरी को झूठे वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान। देखिए ये जो पोस्टर के बीच में जो व्हाइट आपको दिख रहा है, यहीं पे हस्ताक्षर के लिए जगह बनाए गए हैं जिसपे यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से 13 तारीख को जो है बिहार विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जिसमें एक की मौत भी हो गई, वो भी तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए यहाँ पे जो है तस्वीरें सभी लगाए गए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला तस्वीर हम आपको दिखा देंगे जिस तरह से पेपरों में यहाँ पे पेपर का कटिंग है उस घटना को लेकर के। देखिए यहाँ पे सही पेपर का कटिंग है और यहाँ पे जिस तरह से उनकी श्रद्धांजलि दी जा रही है, यहाँ पे विजय सिन्हा हैं, सम्राट चौधरी हैं, देखिए सभी जो नेता आ गए थे उनकी अंतिम यात्रा में उनका भी तस्वीरें लगाई गई हैं। और भी तस्वीर देखिए, ये एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे, देखिए किस तरह से प्रदर्शन के दौरान देखिए किस तरह से सम्राट चौधरी का तस्वीर है यहाँ पे। देखिए बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, पुलिस जो है वो किस तरह से उनको रोक रही थी। और यहाँ पे एक तस्वीर है जिस तरह से देखिए सुशील मोदी मिलने के लिए गए थे, किस तरह से इनको पैर में फ्रैक्चर है, देखिए यहाँ पे इनको माथा में चोट लगाया गया है। यहाँ पर महिला देखिए किस तरह से उस विधानसभा मार्च के दौरान घायल हो गए थे। यहाँ देखिए इनका तस्वीर लगाई गए हैं जिनको वाई प्लस का सुरक्षा दिया गया था, उनको भी नहीं छुड़ा गया है। देखिए महिला कार्यकर्ता है, देखिए इनको भी बहुत जख्म आई थी, महिला कार्यकर्ता हैं। और इस तरफ से एक तस्वीर आपको दिखा दे, देखिए एक व्यक्ति गिरे हुए हैं, उनके लगातार 4 से 5 पुलिसकर्मी जो है वो लाठी डंडे से प्रहार कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक आदमी गिरे हुए हैं, एक व्यक्ति युवा हैं जो गिरे हुए हैं। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, जो अब तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। वहाँ पर सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी के सामने एक पुलिसकर्मी जो देखिए डंडा उठाए हुए हैं, यानी कि तरफ विजय सिन्हा की तस्वीर, यानी जिस तरह से बिहार विधानसभा मार्च के दौरान जो है पुलिसकर्मियों के द्वारा बीजेपी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं पर बलपूर्वक प्रहार किया गया था। इनको देखिए कबाड़ फूटा हुआ है, इनका भी सर में चोट है, खून निकल आ रहे हैं। देखिए सभी लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में किस तरह से भर्ती थे यहाँ पे देखिए। और इस तरफ जो पोस्टर, देखिए महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया था, देखिए पुलिसकर्मी है यहाँ पे देख लीजिए, ये पुरुष पुलिसकर्मी है, महिलाएँ हैं, दौड़ाया किस तरह से जा रहा है, लाठी उठाया हुआ है। और देखिए तस्वीर यहाँ पे देखिए महिलाओं को किस तरह से लाठी डंडे से प्रहार किया गया था। यहाँ देखिए पूरी तस्वीर जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के जो है वो अंदर लगाया गया है। और इस तरफ की तस्वीर आपको एक दिखा दे, देखिए यहाँ पे पटना के गांधी मैदान से बिहार विधानसभा शांतिपूर्ण पैदल मार्च किया जा रहा था, वो तस्वीर है किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा मार्च किया जा रहा था, उसका तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। देखिए सम्राट चौधरी हैं यहाँ पे, सभी बड़े बड़े बिहार बीजेपी के जो नेता, तमाम नेता की पोस्टर लगे गए हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही है, आज हस्ताक्षर, आपको बता दें कि आज जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान है, जिसको लेकर के ये जो प्रतिदर्शियाँ दर्शाई गई, यानी फोटो जो तमाम फोटो जो है वो दर्शाया गया है, जिसको लेकर के यहाँ पे सम्राट चौधरी भी आएंगे, हस्ताक्षर अभियान को शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।